नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट रेमेडी के बारे में। ये रेमेडी आप अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैरिड लाइफ को, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रेमेडी है वो होने वाला है कनेक्टेड टू यंत्र, और यंत्र कैसे बनाना है वो भी बताएंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी बताएंगे। वीडियो को देखिए आखिर तक। तो नंबर 7 का सिग्निफिकेंस हर जगह पे है, हिंदू मिस्टिसिज्म हो, चाहे जूश कबाला हो, क्रिश्चियनिटी हो, और भी बहुत सारे पंथ और भी बहुत सारे संप्रदाय, ये सब मानते हैं 7 नंबर का मिस्टिसिज्म या मिस्टिकल ओरिजिन या मिस्टिकल कनेक्शन। तो नंबर 7 इज अ वेरी मिस्टिकल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। नंबर 7 को परफेक्ट नंबर भी कहा जाता है। हिंदू पुराणों में, हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे जो द्वीप हैं, सप्त द्वीप, तो 7 कॉन्टिनेंट्स, उसके साथ साथ फिर वो बात करते हैं सप्त महासागर, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर 7 लोक होने की भी बात की गई है, 7 अपर लोकस एंड 7 लोअर लोकस। तो 7 ऊपर के जो लोक हैं उनको सप्त स्वर्ग भी कहा जाता है, स्वर्ग के 7 प्रकार। आपने गायत्री मंत्र अगर सुना होगा ध्यान से, तो उसकी शुरुआत होती है ओम भूर भुवः स्वः। तो ये जो भू हु भुवः स्वः है वो एक्चुअली पहले 3 लोक हैं, वास्तव में ये 7 लोक होते हैं, भू हु भुवः स्वः, महा, जनः, तपः, सत्यम। तो सत्यम जो है वो सतलोक कहा जाता है, जो सबसे ऊपर होता है, और जो भूलोक है वो है हमारी अर्थ। तो 7 नरक भी बताए गए हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल एंड नरक। तो ये 7 प्रकार के नरक भी बताए गए हैं हमारे कॉस्मोलॉजी में। तो ऐसा माना जाता है कि भूलोक बीच में है, इसके ऊपर 7 लोक हैं जो पहले बताए स्वर्ग, और नीचे 7 लोक हैं जो पाताल। तो ये हमारे यहाँ पे 7 लोक भी बताए गए हैं। उसके साथ साथ आयुर्वेद में अगर हम देखते हैं तो सप्त धातु कहे गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। तो ये 7 धातु भी कहे गए हैं हमारे शरीर में। तो सप्त धातु अगर हेल्दी नहीं है तो हम हमारे सारे बॉडीली फंक्शंस ठीक से नहीं कर सकते। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में 7 चिरंजीवी की भी बात की गई है, यानी 7 इमॉर्टल्स की भी बात की गई है। तो उनके नाम है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। तो ये सारे माने जाते हैं सप्त चिरंजीवी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे 7 मातृकाज, यानी 7 मातृकाओं के बारे में भी बात की गई है। मातृका का मतलब है मातृ, माता, मदर, तो 7 मदर्स की बात भी की गई है। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा और यह। उसके बाद अगर हम देखते हैं बाइबल में और जूश कबाला में या जूडेइज्म में, तो वो ये कहते हैं कि 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज गॉड मेड हिज क्रिएशन इन 6 डेज एंड ही टुक रेस्ट ऑन द 7th डे। तो आज तक सैटरडे को, शनिवार को सैबथ डे माना जाता है, शब्बत भी कहते हैं उसको। तो डे ऑफ सैबथ इज द डे ऑफ रेस्ट। तो जूडेइज्म मानने वाले जो लोग हैं वो आज भी शनिवार के दिन कुछ नहीं करते, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑपरेट नहीं करते। तो वो क्यों? क्योंकि गॉड ऑल्सो रेस्टेड ऑन द 7th डे, यानी 6 दिन उन्होंने क्रिएशन किया, उसके बाद 7वें दिन उन्होंने रेस्ट किया। तो उनके पास ये 7 वाला कॉन्सेप्ट वहां पे भी है, और उसके आगे भी और भी उनके कुछ कनेक्शंस हैं जो वो बनाते हैं। अगर हम सप्त स्वर्ग की बात करें तो आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी में भी 7 हेवंस है, जुडाइज्म में भी मानते हैं, इस्लाम में भी मानते हैं, और अगर आप म्यूजिक में देखते हैं तो वहां पे भी सप्त स्वर हैं, 7 स्वर हैं, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी तक अगर हम देखते हैं तो वो 7 स्वर होते हैं, और उसके आगे का जो सा है वो अगले ऑक्टेव का होता है। तो 7 स्वर होते हैं। अगर हम रेनबो देखते हैं तो उसमें 7 रंग होते हैं, कलर थेरेपी, और इसके बारे में भी आपने सुना होगा, हमारे जो जेमस्टोन पहनने की सारी विधि है उसमें भी आप देखते हैं 7 रंग होते हैं। उसके बाद अगर हम योग में देखते हैं तो हमारे शरीर में उन्होंने कहे हैं 7 चक्र, तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। तो ये चक्र भी कहे गए हैं। तो सप्त ऋषि भी माने जाते हैं, सप्त ऋषियों की पूजा भी की जाती है, पूजाओं में उनका नाम भी लिया जाता है। तो सप्त ऋषि हैं अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। तो ये हैं 7 ऋषि। तो हमारे यहाँ पे जो गोत्र सिस्टम है वो है ऋषियों पे बेस्ड, और एक्चुअली 7 ही गोत्र होते हैं। आज जो हम बहुत सारे गोत्र देखते हैं, 108 गोत्र तक देखते हैं, वो सारे बाद में ऐड किए गए हैं, वास्तव में गोत्र होते हैं 7। और इसका मैंने लॉजिक आपको बताया था मैरिज मैथमेकिंग मिथ्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में, या पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि आपके दादा दादी, नाना नानी जब वो नहाते होंगे तो वो शुरुआत करते थे 7 नदियों का स्मरण करके। वो 7 नदियां कौन सी होती थी, उसका एक संस्कृत श्लोक भी है जो पूजाओं में पंडित जी अक्सर कहते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, कि ये 7 नदियां, इनको मैं आवाहन करता हूँ, आप इस जल में प्रवेश करें। और इसका मतलब ये होता है कि ये श्लोक पढ़ने के बाद जब आप नहाते हैं या उस जल को अपने ऊपर छिड़कते हैं तो आपने इन 7 नदियों में स्नान किया हुआ है, और इसका जो पुण्य है वो भी आपको मिलता है। तो 7 नंबर का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है? 7 नंबर इज द परफेक्ट नंबर। 7 नंबर ऐसी हर चीजों के साथ जुड़ा हुआ है जो शाश्वत है, यानी जो बदली नहीं जा सकती। सप्त द्वीप बदले नहीं जा सकते, सप्त महासागर बदले नहीं जा सकते, 7 चक्रास कैनॉट बी चेंज, 7 स्वर्ग, 7 नरक कैनॉट बी चेंज,
सेवन लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी चेंज, सप्त धातु कैन नॉट बी चेंज, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम बदल सके, सारे गम पद नहीं बदल नहीं सकते। तो सात नंबर ऐसे हर चीज के साथ जुड़ा हुआ होता है जो फंडामेंटल है, फाउंडेशनल है और जो शाश्वत है, कभी भी बदला नहीं जा सकता। सारे गम पद नहीं फाउंडेशन है सिंगिंग का, अगर आप वो नहीं सीखते तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश म्यूजिक में भी देखते हैं तो वहां पे डोरे मी फा सो ला डी डो ये आपने सुना होगा, तो वो भी वापस वही है, सारे गम पद नहीं सा वही चीज है, लेकिन अलग नाम है क्योंकि वो अलग देश के हैं। लेकिन सेवन नंबर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू एनीथिंग दैट इज फाउंडेशनल, दैट इज फंडामेंटल, यानी उसके बिना वो चीज हो ही नहीं सकती, उसके आगे ही पूरा शास्त्र खड़ा होता है उसके आगे। और उसके साथ साथ जो ये चीजें होती हैं ये कभी भी बदली नहीं जा सकती, कोई भी नंबर सेवन से रिलेटेड चीज बदली नहीं जा सकती। यहां तक कि हमारे जो ग्रह है एस्ट्रोलॉजी में वो भी साथ है, क्योंकि राहु और केतु जो है वो तो छाया ग्रह है। छाया ग्रह का मतलब है कि वो मैथमेटिकल पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, वो कोई हम अगर टेलीस्कोप से देखे तो राहु केतु हम देख नहीं सकते, तो विजिबल अगर हम देखते हैं, मटेरियल अगर हम देखते हैं तो ग्रह भी साथ है। और इसीलिए ग्रहों से जुड़े हुए हमारे दिन है, तो दिन भी साथ है, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो यही हमारे दिन है, तो सात दिन हुए। तो ऐसी कोई भी चीज जो फंडामेंटल है, फाउंडेशनल है और जो कभी नहीं बदलती, शाश्वत है, वो सारी चीजें होती हैं नंबर सेवन। जैसा कि आप जानते हैं नंबर सेवन इज ए ऑड नंबर, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो वो अक्षय रहता है हमेशा, ये भी उसकी एक क्वालिटी है। तो सेवन नंबर इज कनेक्टेड टू अबंडेंस, जो भी सेवन नंबर होगा वो शाश्वत होगा, अक्षय होगा, इस तरीके से इसको देखा जाता है। यहां तक कि हमारी शादी में जब हम देखते हैं तो जो सात वचन होते हैं, सप्तपदी होती है, सात फेरे होते हैं, तो ये सब क्यों? क्योंकि ये शाश्वत रहे, ये उसके पीछे की भावना है, ये जो शादी हो रही है, ये जो कस्में खाई जा रही हैं, ये जो फेरे लिए जा रहे हैं, तो ये सब शाश्वत रहे, ये हमेशा हमेशा जोड़ा साथ में रहे, सात जन्मों तक साथ में रहे। तो अगेन देयर इज सेवन इन सात जन्म, सात जन्मों तक आपको साथ में रहना है। अगर आप देखते हैं वट पूर्णिमा और अलग अलग हमारे यहाँ व्रत हैं या करवा चौथ है, तो उसकी कामना ये होती है कि सात जन्मों तक यही पति मिले या यही पार्टनर मिले, इस तरह की कामना की जाती है। नंबर सेवन इज कनेक्टेड विथ ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म, तो अगर आप नंबर सेवन मूलांक में पैदा होते हैं, जैसे कि नंबर सेवन 16, 25, इन डेट्स पे अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप देखेंगे कि नेचुरली इन लोगों में एक तो ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी और उसके साथ साथ सोशल वर्क, चैरिटी वर्क, फिलैंथ्रोपी, ये सारी चीजें इनके अंदर नेचुरल गुण होते हैं। इसमें से कोई ना कोई गुण आप इनमें देखेंगे। इसके साथ साथ ये लोग एनिमल लवर्स भी होते हैं और बहुत ज्यादा करुणा इनके मन में होती है, तो नंबर सेवन जो है वो करुणा का भी होता है। तो ये थे अभी तक हमने जाना कि सेवन नंबर से कनेक्टेड कितनी सारी चीजें हैं जो सेवन नंबर से कनेक्टेड है, मिस्टिकल है वगैरह वगैरह। अब हम इसको देखेंगे यंत्र शास्त्र के पर्सपेक्टिव से। यंत्र शास्त्र में अगर हम देखते हैं, एक बहुत ही कॉमन यंत्र होता है जिसमें हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल्स होते हैं और एक डॉट होता है। अक्सर आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी रंगोली जो बनती है हमारे इंडियन पूजाओं में या हमारे घरों के बाहर, पहले पुराने जमाने में तो सब लोग अपने घर के बाहर रोज सुबह को रंगोली बनाते थे, तो ये रंगोली में भी ये आकृति आपको नजर आएगी अक्सर, और साथ साथ में हमारे जितने भी यंत्र हैं उनमें भी देखने को आपको मिलेगा कि कार्तिकेय यंत्र, गणेश यंत्र, श्री यंत्र, इसमें आपको ये जो आकृति है ये बहुत बार नजर आती है, और साथ साथ में इसके कुछ वेरिएशंस भी आपको नजर आते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो यंत्र शास्त्र में सारी जो भाषा है वो है ज्योमेट्रिक शेप्स की, यानी यंत्र शास्त्र में जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक लैंग्वेज है कम्युनिकेशन का, वो है ज्योमेट्रिक शेप्स। तो हर ज्योमेट्रिक शेप का, लाइन का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, लाइन किससे बनी है, किस तरफ से किस तरफ जा रही है, ये सारी चीजें यंत्र शास्त्र में डिटेल में स्टडी की जाती हैं और उसके हिसाब से यंत्र बनाए जाते हैं। उसके मुहूर्त होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है यंत्र शास्त्र, सब कुछ तो यहाँ पे बताना पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन उसके कुछ बेसिक्स मैं आपको बताना चाहता हूं। तो वहां पर ऐसा होता है कि यंत्र शास्त्र के हिसाब से अगर हम देखें बेसिक्स में, तो क्रिएशन कैसे हुआ, क्रिएशन की शुरुआत कहीं से हुई होगी, तो उसे एक बिंदु माना जाता है, अ डॉट। तो कोई भी अगर हम डॉट लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है शून्य या निराकार, जो निराकार ब्रह्म की हमारे यहाँ पे धारणा है, अगर हम उसे ज्योमेट्रिक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम लगाएंगे एक डॉट, बिंदु। यहां तक कि हमारे अगर हम देखते हैं चक्रों के बारे में, तो ये कहा जाता है कि हमारे जो सहस्रार चक्र है उसमें भी एक टॉप का पॉइंट है जिसको बिंदु कहा जाता है, और उस बिंदु पे फोकस करने के लिए भी कहा जाता है। तो बिंदु सिग्निफाइज अव्यक्त ब्रह्म या फिर क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट, या जिसको हम शून्य, महाशून्य इत्यादि कहते हैं, बुद्धिज्म में उसको शून्य तक कहा जाता है। तो बेसिकली उसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो दैट इज नंबर वन। या अगर हम उसको सरल भाषा में समझना चाहें तो दैट इज ब्रह्मा, पहले पूर्ण ब्रह्म था, वन होल एंड दैट्स इट, तो वो जो है उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है क्रिएशन स्टोरी में, आगे यंत्र शास्त्र में ये कहते हैं कि उससे फिर दो बने, मतलब एक था, सिंगुलैरिटी थी, उससे दो बने, ड्यूअलिटी बनी, यानी कि पुरुष और प्रकृति। अब ये भी आप देखेंगे पुरुष प्रकृति, शिव पार्वती या फिर यिन एंड यांग, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, और उसके साथ साथ प्लस माइनस एनर्जीज की बात होती है, चार्ज की बात होती है। तो इस
दुनिया में सब कुछ दो के सेट्स में भी होता है, उसमें एक पोलैरिटी होती है, विच इज बिकॉज ऑफ यिन एंड यांग, पुरुष प्रकृति, इसके वजह से। तो पहले ब्रह्म था डॉट, उससे फिर आगे बने दो। तो ये जो पुरुष और प्रकृति है उसके आगे हम देखते हैं कि इनमें सत्व रजस तमस का आविर्भाव होता है। तो इससे क्या होगा कि इसमें और तीन ग्रुप्स बन जाएंगे और यही तीन बनते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, सत्व रजस तमस, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये आ गए तो इनके साथ जो है फेमिनाइन एनर्जी भी आएगी, तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती ये सारे जो है ये फेमिनाइन एनर्जी के तीन सत्व रजस तमस के पार्ट्स बन गए। तो टोटल कितने हुए, मैस्कुलाइन एनर्जी के तीन, फेमिनाइन एनर्जी के तीन और फिर अव्यक्त ब्रह्म, तो टोटल कितने हुए 3 + 3 + 1, सो 7। तो ये जो साथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पूरा आगे का क्रिएशन हुआ है, जो भी इस दुनिया में है वो सब कुछ इन सात चीजों से बना है। तो जो पुरुष तत्व होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे यंत्र शास्त्र में यूज किया जाता है अपवर्ड ट्राइंगल, जो ऊपर पॉइंट करने वाला ट्राइंगल होता है उसको मैस्कुलाइन एनर्जी का सिंबल माना जाता है, वो है शिव या पुरुष। उसके बाद आता है एक डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल, ये होती है फेमिनाइन एनर्जी। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, एक दूसरे के ऊपर उसको ओवरलैप कर देते हैं, एक दूसरे को ऊपर रख देते हैं, तो बनता है एक स्टार। तो यहां पे क्या हो रहा है, पुरुष और प्रकृति का संगम हो रहा है, शिव और शक्ति का संगम हो रहा है और इसमें से फिर आगे जाकर कौन बना, गणेश बना, कार्तिकेय बना, यानी कि क्रिएशन वहां से शुरू होती है। और जो अव्यक्त ब्रह्म है इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं अ डॉट, और ये अपने आप में एक यंत्र है। अब इसके बहुत सारे नाम आप दे सकते हैं क्योंकि इसको सुब्रमण्य यंत्र यानी कार्तिकेय यंत्र की तरह भी बताया जाता है, गणेश यंत्र की तरह भी बताया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो श्री यंत्र जो है वो इसी का एक्सटेंशन है, बस एक या दो ट्रायंगल की जगह इसको मल्टीप्लाई करके बताया जाता है। कुछ ऐसे गणेश यंत्र होते हैं जिसको सिद्ध गणेश यंत्र कहा जाता है, तो उसमें दो अपवर्ड ट्रायंगल्स होते हैं, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर हमारे जो यंत्र हैं वो कहीं ना कहीं इस आकृति से या इस आकृति के वेरिएशन से बने हैं और उसके साथ साथ फिर थोड़ा सर्कल वगैरह भी ऐड हो जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके बताइए और भी ज्यादा बात करेंगे यंत्र शास्त्र के बारे में। ये जो हमारी आकृति बनी है यहाँ पर, ये है अक्षय यंत्र। अगर आप चाहें तो इसको कार्तिकेय यंत्र, गणेश यंत्र भी बुला सकते हैं, कुछ भी बुला सकते हैं, मेरे हिसाब से ये अक्षय यंत्र है। अक्षय क्यों, क्योंकि ये नंबर 7। अब यहाँ पे 7 पॉइंट्स आते हैं, अपवर्ड ट्रायंगल के 3, डाउनवर्ड ट्रायंगल के 3 और जो बीच में है वो 1 पॉइंट। तो बेसिकली इसके आगे जो भी प्रकृति में बना है वो इससे बना है और ये है शाश्वत, ये है अबंडेंस का प्रतीक, ये है अक्षय का प्रतीक। तो इस यंत्र को अगर आप बनाते हैं, अगर आप एक पेपर पे इसको लिख लेते हैं, बना लेते हैं और इसको अपने वॉलेट में रखते हैं, कैश बॉक्स में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे। अगर आप अपने वेडिंग एल्बम में इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में काफी आपको बदलाव नजर आएगा। अगर आप चाहें तो इसकी एक पेंटिंग बना के अपने किसी रूम में लगा सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। अगर इस यंत्र को आप बनाते हैं कुमकुम से अपने किचन में, जहां पर आप खाना बनाते हैं उसके सामने, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर आपके घर में सब लोगों की हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो ये जो यंत्र है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। इसका प्रयोग करते वक्त ध्यान ये रखना है कि ये जो ट्राइंगल्स बनेंगे, ये सारे जो एंगल्स हैं ट्राइंगल के, वो 60-60-60 डिग्री के होंगे, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको बनाने हैं, नंबर 1। नंबर 2, बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको लगाना है डॉट, डॉट के बाद आपको बनाना है अपवर्ड ट्राइंगल और उसके बाद आपको बनाना है डाउनवर्ड ट्राइंगल। इसी सीक्वेंस में आपको ये सब बनाना है। कोशिश ये करनी है कि जब आप लाइंस बनाएं तो लेफ्ट टू राइट ही बनाएं और जब आप वर्टिकल लाइंस बनाएं तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको बनाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बनाना है। सो दिस इज व्हाट यू शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल ड्राइंग दिस यंत्र। और ये जो यंत्र है ये कुमकुम से बनाया जा सकता है, अगर आप पेपर पे बना रहे हैं तो इसको ब्लू या रेड इंक से आपको बनाना है या ग्रीन इंक से इसको बनाना है, इन्हीं कलर्स का इस्तेमाल आपको करना है। ब्लैक कलर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है और आपको अष्टगंध का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इस यंत्र को बनाकर जैसा मैंने कहा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, कैश बॉक्स, वॉलेट, पर्स और किचन में आप लगा सकते हैं, पेंटिंग बना के लगा सकते हैं, वर्क डेस्क पे अगर आप चाहें तो उसका एक छोटा सा आप ड्रॉइंग बना के इसको रख सकते हैं, अपने फोन या लैपटॉप पे इसका वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। सो दिस यंत्र कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर वेयर यू वांट अक्षय, यानी जहां पे आप चाहते हैं अबंडेंस और जहां पे आप चाहते हैं कि ये चीज कम ना हो, हर जगह पे ये यंत्र इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यंत्र की पूजा भी की जाती है क्योंकि एक तरीके से अगर हम यंत्र के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक शिवलिंग की तरह भी होता है। तो इसीलिए ये जो आकृति है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इट इज वेरी वेरी सेक्रेड। तो ध्यान ये रखना है कि इसके ऊपर किसी का पैर ना पड़े, इसको आप फाड़े नहीं, फेंके नहीं, इसका आप इंसल्ट ना करें किसी तरीके से, इट इज सेक्रेड। इसको जब बनाए तो नहा धो के क्लीन तरीके से आपको बनाना है और इसको जब बना ले तो उसके ऊपर हल्दी कुमकुम और फूल अर्पण करना है
और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रेस द बेल आइकन और इस यंत्र का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और इसका लाभ लें। फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड।